हेलो फ्रेंड्स, फूडी मोडी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। इसे एक लाइट फूड माना जाता है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है और कुछ टेस्टी खाना है तो कड़ी पकोड़ा एक बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दही, 1 कप बेसन, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून जिंजर चिल्ली गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और पकोड़े तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम कड़ी का पकोड़ा बनाएंगे। 1 कटोरे में 1/2 कप बेसन डालें, 1/4 टीस्पून हल्दी डालें, 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिला लें। आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर या इनो डाल सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक अच्छा थिक घोल बना लेंगे। पकोड़े का घोल रेडी है। इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट होने दें। कड़ी का घोल बनाने के लिए हम 1 कप दही लेंगे, 1/2 कप बेसन, 1/4 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिला लें। दही बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे और एक पतला घोल बना लेंगे। पतला घोल बनकर तैयार है। 20 मिनट हो चुके हैं। पकोड़े का घोल रेडी है। अब हम इससे पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। तेल गर्म हो चुका है। ये पकोड़े तलने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 1 टीस्पून वाला चम्मच लिया है। हमें इतने ही साइज के पकोड़े बनाने हैं। पकोड़े बनकर तैयार हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालें। ऑयल गर्म हो जाने दें। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून राई डालेंगे, 7 से 8 पत्ती करी पत्ता, जिंजर चिल्ली गार्लिक पेस्ट डालें। इसका रॉ स्मेल जाने तक इसे पकाएं। इसका रॉ स्मेल जा चुका है। अब हम इसमें कड़ी का घोल डालेंगे। इसमें बॉईल आने तक इसे पकाएं। एक बार बॉईल आ जाए उसके बाद हम इसमें पकोड़े डालेंगे। इसमें बॉईल आने लगा है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। इसे 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। कड़ी बनकर रेडी है। फ्लेम ऑफ करें और इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लें। कड़ी पकोड़ा बनकर रेडी है। इसे राइस के साथ सर्व करें।